कोडरमा पुलिस ने झील रेस्टोरेंट में छापेमारी कर सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया। आपत्तिजनक हालत में चार लड़कियों और छह लड़कों को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी कुमार गौरव ने बताया कि पश्चिम बंगाल के दलालों को मोटी रकम पर सेट किया गया था, जो देव व्यापार के लिए बाहर से लड़कियां लाते थे, तय समय पर ग्राहक पहुंचते थे और इस मामले में झील रेस्टोरेंट के संचालक तपेश्वर साव और प्रफुल्ल सिंह की भूमिका संदेह के घेरे में है। हालांकि छापेमारी के दौरान होटल का मैनेजर भाग निकला। जहां से कुछ व्यक्ति पुरुष और कुछ महिलाओं को गिरफ्तार किया, उनको लाया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। कुछ आपत्तिजनक सामान भी बरामद हुआ है सर, वहां से कुछ जब्ती की गई है। कुछ गोपालगंज में बेखौफ अपराधियों ने एसबीआई के सीएसपी केंद्र में फायरिंग कर 5.5 लाख रुपए लूट लिए। घटना बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के कृतपुरा गांव की है। बताया जा रहा है कि बाइक सवार 6 अपराधियों ने लूट की इस वारदात को अंजाम दिया। स्थानीय लोगों ने अपराधियों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन अपराधियों ने फायरिंग शुरू कर दी। घटना के काफी देर बाद पुलिस के देर से पहुंचने पर ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। इस मामले पर भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष मिथिलेश तिवारी ने कहा कि एनडीए के शासन में जो अपराधी छिपे हुए थे, वे महागठबंधन की सरकार में बाहर निकल आए हैं। मुझे यह सूचना मिली है कि वहाँ सीएसपी संचालक को जब गोली मारी गई है और उस वहाँ जो लूट हुई है, उसके बाद जब पुलिस गई तो पुलिस पर भी हमला अपराधियों ने किया है। तो इस प्रकार की स्थिति बिहार में है। अब यह बहुत ही भयावह स्थिति है और कल जिस प्रकार का मंत्रिमंडल हुआ है और जिस मंत्रिमंडल में जो चेहरे शामिल किए गए हैं, उससे अपराधी जो एनडीए के शासनकाल में बिल में घुसे हुए थे, वो सब बाहर आ गए।